बीबी रो रही है मले में आया रोंद की तर वोट लेने तुसे मेरे मोई गंदा लफ़ज़ नवाज शरीफ था यार चुप कर जा गाल ना करी तू रोटी पा के देने असे सही कहने इलाके पे आओ मसले मसाल सुर्खी पाउडर ला दे ना सुर्खी पाउडर कौन ला दे सुर्खी पाउडर कौन ला गया है बड़िया कौंसलां जियां थल्लियां बढ़ा ले ऐ नहीं बढ़ाओ इलाके दे काम करो तुसा बढ़ाया अगे कौंसलर बनियो मसले मसाल ये किनकी बात कर रही है किसी का मसला हल किया बिल्कुल आपने किसको वोट देना इमरान खान को बच्चे की गल्ला कर रहे ने आपको बताता हूं बच्चे की गल्ला कर रहे आप किसको वोट देंगे बाजी किसी को भी नहीं किसी को भी नहीं क्या वजह बस नहीं देंगे खाने के लिए देते हैं हमें नहीं लेकिन देखें ये इन्होंने हमारे मसाइल हल कराने हैं ना करने हैं किसने की हैं ये गलियां कौन पक्की कराएगा आके कोई नहीं करता मसाइल ये पानी का मसले कौन हल करेगा सब अपनी अपनी धुन में रहते हैं ये लोग कोई मसले नहीं हल करते ये लाइटें कौन लगवाएगा कोई पूछता है आपने खाया कि नहीं खाया ये बता दे हमें तो फिर आप देंगे वोट तो पूछेंगे ना पूछते ना हर साल ही देते दिया था पिछला पिछली बार नून लीग को दिया था इस बार देंगी नून लीग को किसी को भी नहीं दूंगी क्या इतनी नाराज है आप हाँ जी नाराज हूँ हूँ नाराज सच्ची मुच्ची नाराज हूँ सबसे नाराज क्या वजह क्या है तो दूसरा कैंडिडेट ये बच्चा है ना हाँ जी मैं से उधार सब्जी लेके जाती हूँ अच्छा मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता मेरे भाई के रिक्शे की बैटरी चोरी हो गई आज 7 दिन हो गए हैं ठीक है ना किसी ने पूछा कि यहाँ पे अलीम खान के बेटे आते जाते हैं मैंने उनसे बात की उन्होंने पूछा हमसे आके कि आपके घर में चूल्हा नहीं जल रहा रोटी नहीं पक रही है हमें बताएं हम खाने के लिए देने आए आपको उनसे खुद बात की डायरेक्ट बात की उनसे हमने वो बता रहे हैं कि 5,000-5,000 रुपया मदद हमें तो नहीं मिला हमें तो नहीं मिला सर आम कह रही हूँ नहीं मिला आप इतनी परेशान क्यों लग रही परेशान हूँ आए मेरे घर आए क्या हुआ मेरा घर देखे आगे क्या हुआ क्या मेरे घर में खाने के लिए नहीं है मेरे घर में आटा नहीं है घी नहीं है मेरे घर में मेरे भाई के देखे की बैटरी नहीं है एक ही कमाने वाला है क्यों दे इनको वोट हम वोट दे के कोई अच्छा नुमाइंदा लेके आएंगे क्या नुमाइंदा क्या आएगा नवाज शरीफ था तब पहले सड़कें बना दी ये कर दिया वो कर दिया किसके घर में रोटी देने आते हैं ये मुझे देने आए हैं रोटी ये बता दे सड़कें नहीं चाहिए रोटी चाहिए हमें रोटी चाहिए सस्ती रोटी चाहिए अच्छी रोटी चाहिए खाने के लिए घी देखे कितना महंगा आटा देखे हमारी पहुंच से दूर है 1 किलो रहते हैं रोज का आटा रोज का 1 किलो आटा लेते हैं हम लोग 1 किलो रोज आटा लेती हैं और पका के खाते वही खाते हैं ये बताए ना कितने मेंबर हैं आपके फैमिली हम 4 मेंबर हैं घर के और 4 मेंबरों का एक फर्द जो है ना गुजारा नहीं हो रहा हमारा ये बताए ना ये 3 दिन पहले जो है अपना यलीम खान के बेटे यहाँ पे घूम रहे थे तो बताए ना किसने पूछा हमें मरियम साहिबा यहाँ से खुद इलेक्शन लड़ रही तो मरियम साहब आए ना हमारे इलाके में आए पूछिए आके हमसे कि आपने रोटी खाई है आपका घर का चूल्हा जल रहा है लोगों के मसाइल ये हैं कि रोटी पकाने के लिए आटा नहीं है घर में ये ठीक है घी नहीं है आटा नहीं है कुछ नहीं है सब्जी नहीं है इस बच्चे से दाल लेके जाती हूँ दाल लेके जाती हैं हाँ जी बेटा सही कह रहे मेरा बंदा मंजीत है लेकिन अल्लाह ताला दा करोड़ करोड़ बारी में रेंट देनी है करोड़ बारी जहाँ पे हमारे कुरम भाई है दर्जी है 2 दिन हमें उन्होंने रोटी दिया खाने के लिए किसी ने आपको खाना दिया 2 दिन बताए ना कहाँ जाएं हम इनको वोट दें इन लोगों को वोट दें इनको सड़क पे खड़ा करके ना क्या कहें बस हम क्या कहें इनके लिए कुछ नहीं कह सकते मरियम से बोले ना मैं खुद कह रही हूँ मरियम से बोले आए हमारे घर में आए लोगों के घरों में जाके झांके देखें ये लोग के लोगों के घर में क्या हो रहा है झांके ना लोगों के घरों में जाके गरीबों के घर में देखें जो एसी वाले लोग हैं ना एसियों वाले लोग हैं उनके घरों को हम अलीम खान के घर के चेक जा रहे हैं अभी आप फिर वोट नहीं दे रही क्यों दूं मुझे बस एक रीजन बता दे वोट देने का जो नया मेरे कुछ नहीं करेंगे वो अभी खाएंगे मुल्क को लूटेंगे वो जाएंगे गरीबों के सर पे कर्जे चढ़ाएंगे बस और क्या करेंगे यही करेंगे ये लोग बोले मरियम से बोले मैं बोल रही हूँ मरियम से आए मेरे घर में आए मेरे इलाके में आए मेरे मोहल्ले में आए आके देखे गरीबों के घर में झांके देखे हमें बताएं आके कि इनको वोट देने चाहिए हमें ये पैगाम मरियम तक पहुंचाएं ना मेरा बताएं ना कि ये बता रही हैं कि इनसे मैं उधार सब्जी लेके जाती हूँ
सामने वो दर्दी है, बच्चे को दिखाएं, ये दिखाएं। मैं इस बच्चे से उधार सब्जी लेके जाती हूँ, बता रही है सामने को दर्दी साहब है, उन्होंने दो दिन मेरा एक रुपया मुझसे मांगा नहीं है कि बाजी मुझे पैसे दो, आप कितने पैसे हो गए हैं, बता रही है सामने को दर्दी है, दो दिन उन्होंने खाना दिया इनके घर, खुरम टेलर, उन्होंने मुझे दो दिन खाना दिया। और बता कह रही है कि मरियम नवाज साहिबा और अलीम खान साहब और जो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं आके इनका घर विजिट कर लें। आए ना अलीम खान साहब हमारे घर पे आए, कितना लोगों को 5,000-5,000 दे रहे हैं, सुना जी क्वार्टरों में 5,000 लग गया, कितना लग गया जी, कितनी जगह है आपकी, हम लोग ये झूलेलाल वाले ने इनके ऊपर वाले पोर्शन में किराए पे रह रहे, 12,000 रुपया किराया देते हैं, रेंट पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं। बताएं ना, मैं सुनती हूँ लोगों के जुबान से सुनती हूँ जी हमारा 5,000 आ गया, हमारा 30,000 आ गया, हमें दे ना, जिनका हक है उनको दे ना, क्यों नहीं देते जिनका हक है, ये बच्चा गरीब है इसे दे ना, इनको दे ना, ये नाज़िम एसीओ वालों को क्यों देते हैं, 80% आवाम के मसाइल, ये आवाम मेरे ख्याल से यहाँ कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जो गरीब खड़े हैं, गरीबों को दे ना। सर वोट किसे देंगे आप जी, वोट किसको देना पसंद करेंगे आप, ये अपना अलीम खान, अलीम खान साहब को, आप किसको, आपका तो वोट बना ही नहीं होगा अभी भाई, आप किसको वोट देंगे, इमरान खान साहब को, ठीक है भाई, किसको वोट देंगे, इमरान को, सही है भाई, किसको वोट देंगे आप, सर जी वोट जो है वो पीएमएलएन का, वोट सिर्फ मियां नवाज शरीफ का, वोट मियां नवाज शरीफ साहब का, भाई किसको वोट देंगे, शेर को, मियां नवाज शरीफ साहब, पायन किनू वोट देना जे, शेर आप किसको वोट देंगे, मैंने दे दिया सब है, दे दिया हुआ है, पहले दे दिया, वोट दे दिया आपने, ले लिया किसको, आपने, दे दिया आपने, ले लिया ना, मैंने कहा ले लिया, किसको देंगे वोट, आप नहीं देंगे, क्या हाल है बुजुर्गो, गरीब आदमी कौन पूछता है, वोट किनू दोगे, हमने देना ही नहीं वोट, वोट नहीं देना, काम ही ऐसे हो रहा है, मैं ज्यादा देर हर एक चीज महंगाई कर, 100 रुपए की चीज 800 मांग रहे हैं, किसने महंगी हुई है, हुकूमत ने महंगी कर रखे, तो किसने महंगी की है, किसने महंगी की है, हुकूमत ने, कुछ दुकानदार, कुछ हुकूमत है, सभी एक हुए, मंडी वाले जाकर देख लो, मंडी वाले मिले हुए हैं, जो हमें दे दो, बाकी जो मर्जी करते रहो, ये तो वो जिम्मेदार कौन है, हुकूमत जिम्मेदार है, कौन सी है? बताए ना फिर किसको वोट देना है, ये तीन हुकूमत है, तीन हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी अला था, नवाज शरीफ अला था, शहबाज शरीफ अला था, जो भी आएगा वो ही है, तो अभी किसी को नहीं देना वोट, नहीं हमने देना, कोई अच्छा नहीं लगता आपको, कोई अच्छा नहीं, कोई एक भी नहीं अच्छा लगता, अपना चल जाएगा क्या हो रहा है, कहता 100 रुपए नोट फ्री में मिलेंगे, फालतू पैसे बेच रहे हैं, बात नोट के मैं 1500 बेचा बात नोट का, घरेलू मीटर है ये तो, हाल कर रखा है, नहीं तो फिर किसी को वोट नहीं देंगे आप, वोट नहीं वोट जमा करते, किसी को तो दें, जो अच्छा लगता है, 19 तारीख 8 तारीख को होगा, वही पूछ रहा हूँ क्या सोचते हैं कि कौन बेहतर है इस हल्के के लिए, इस टाइम जो है ना नवाज शरीफ बेहतर है, नवाज शरीफ बेहतर है, ये देखे ना ये बात है, सिर्फ किन्नू वोट देना है, बड़े हो शेर नु देना है, सही है, हाँ जी किसको वोट देंगे, पीटीआई को, पीटीआई को, क्या भाईजान, हेलो किसको वोट देंगे, इमरान खान जनाबा सर, बस एक ही बंदा है, क्या वजह, एक वजह हो तो बताना सर, कोई भी एक ही बता दें, और सर इंतहा की वजह है, बता देना कोई एक बताएं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात किया, इससे भाई वजह कोई है ही नहीं।